मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दो दिवसीय प्रवास पर कल से राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। आज दूसरे दिन भूपेश बघेल ने डोंगरगांव में समीक्षा बैठक ली। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता भी की, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान चिटफंड सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर मुख्यमंत्री ने जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री बघेल ने डोंगरगांव के सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिटफंड की राशि हितग्राहियों को वापस करने का पहला काम राजनांदगांव जो जिला है वहां से हमने किया है। राजनांदगांव जिले के लगभग 19,000 से अधिक हितग्राहियों को उनकी राशि लौटाई गई है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधा और कहा कि रमन सिंह के पास अब कोई काम है ही नहीं, भाजपा वाले उनको बुलाते नहीं, इसलिए वो घर में बैठे हैं, खाली बैठे ट्वीट करते रहते हैं। वहीं सीडी कांड मामले में मुख्यमंत्री ने पूछे गए सवालों में कहा कि मैं उस समय भी बोला था यह सारे सूत्र हैं, सीएम हाउस के अंदर ही हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया, जेल भेजा। अब इस पूरे मामले में न्यायालय प्रक्रिया है, सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, इसमें कौन सी मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के धर्म के लोगों को यह अधिकार नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा सके। सभी धर्म कहता है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। राजनांदगांव में हुए 7 नवंबर को राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हिंदू देवी देवताओं के अपमान का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी की। इसके बाद उन्होंने आज डोंगरगांव में पत्रकार वार्ता ली, साथ ही साथ जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक दलेश्वर साहू सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। कोरोना के कारण से हम लोग 2 साल तक के सब लोग सार्वजनिक कार्यक्रम जा नहीं पा रहे, लोगों से मिल नहीं पा रहे, लेकिन उस समय भी बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई। आपको याद होगा कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने बजट में शामिल किया और तुरंत लॉकडाउन हुआ। यहाँ तो पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि चावल का उत्सव मनाते थे, बिजली का उत्सव मनाते थे, पता नहीं क्या क्या त्यौहार मनाते थे, बिजली त्यौहार, चावल त्यौहार, ऐसा करके कुछ कुछ मनाते रहते थे। लेकिन हम लोगों ने इतनी बड़ी राशि जो लगातार 4 साल से दे रहे हैं, तो हम लोग तो उस समय तक ये था कि वर्चुअल ही सब की कार्यक्रम जो हुआ वर्चुअल हुआ, उसके खाते में पैसा गया, डाल दिए, लेकिन उसका फीडबैक क्या, ऋण माफी किए, उसका फीडबैक क्या, 35 किलो चावल, सबका राशन कार्ड बनवाया। पिछली सरकार में तय होता था कि आप राशन कार्ड बनाओ, चुनाव निपटा, राशन कार्ड कटवाओ, यही चलता रहा। और उसी घोटाला हुआ, नान घोटाला, रमन सिंह जी जवाब नहीं दे रहे हैं, उसमें सीएम मैडम कौन है, सीएम सर कौन है, और क्या केवल 2-4 महीने की जांच होनी चाहिए। जब से योजना शुरू की है हमने कहा एसआईटी गठन किया, बस शुरू करो इसकी जांच, जो गड़बड़ है। तो रमन सिंह धर्मलाल कौशिक तो जाके पीआईएल लगवा दिए। अब इसमें पीआईएल क्या हो सकता भाई, यदि भ्रष्टाचार की जांच करना है तो उसमें पीआईएल लगा दिए। और उसके बाद अभी जांच रुकी हुई है, तो रमन सिंह से यही कह रहे हैं कि भाई ये गरीब जनता का पैसा है, राशन कार्ड है, आम जनता का पैसा है, ये चीट फंड कंपनी है वो आम जनता का पैसा है, इसमें कितने पत्रकार होंगे, कितने कर्मचारी अधिकारी होंगे, कितने किसान, कितने मजदूर, कितने महिलाएं हैं जो चीट फंड कंपनी में पैसा डाले हैं। 6,000 करोड़ से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ से गए। मैंने इसीलिए कहा कि ईडी क्यों जांच नहीं करती, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ इसमें, तो इसमें जांच नहीं होती, बजट में घूम रहे हैं गली गली। ठीक है जी, देना चाहूंगा कि यहाँ लगभग 15 करोड़ की राशि संख्या 19,000 लोगों की करीब 15 करोड़ रुपया वापसी की गई, और पूरे देश में चिटफंड कंपनियों के पैसे वसूल कर नियोजकों को वापस करने की कार्रवाई सबसे पहले राजनांदगांव जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। और वो राशि अब पहले तो 1600 के आसपास संख्या थे, 19,000 लोगों के पैसे वापस किए। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये
संतोषप्रद है, इसमें और भी कार्रवाई करने का आवश्यकता है। मुख्य रूप से बात ये है कि पहली बात तो उसकी संपत्ति कहाँ कहाँ है, निवेश कहाँ कहाँ किया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ कहाँ है, ये जानकारी इकट्ठा करना ही कठिन काम है। तो जो जानकारी मिलती है कलेक्टर के पास या एसपी के पास, और उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की, क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया भी है, क्योंकि ये सारे प्रकरण बना के न्यायालय में ले जाना होता है और न्यायालय के आदेश पर ही उस संपत्ति की कुर्क की जाती है, और कुर्क होने के बाद वो राशि के लोगों को वितरित किया जाता है। कि ये जो शपथ है वो कब शुरुआत हुई इसकी, बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और तब हजारों की संख्या में जाकर नागपुर में जो दीक्षा स्थान है वहाँ पे उन्होंने इस प्रकार से शपथ दिलाई थी। लेकिन यदि बौद्ध धर्म देखें, भगवान बुद्ध के देशनाओं में आप अध्ययन करें, तो ये है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे ऐसा कोई काम नहीं करना। तो मैं सबसे ही चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के जो संदेश है उसका भी अध्ययन करें, और उन्होंने कभी दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात नहीं कही थी। तो जब मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी एक सिद्धांत है कि हम अपने धर्मों को माने और दूसरे धर्मों का सम्मान करें, दूसरे भावनाओं में हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई कृत्य न हो जिससे दूसरे का के भावना आहत हो।